impressed with these products. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हनी, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। और आज मैं आपके साथ फुल फेस मेकअप करने वाली हूँ विद ओलिविया ब्रांड। एवरीथिंग ऑफ ओलिविया, काजल से लेके फाउंडेशन तक, कॉम्पैक्ट सब कुछ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप मेरा ये है, मैं ओलिविया का क्लेंसिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, उससे अच्छे से क्लेंस करूँगी। अब इससे जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, फिर हमारा फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्मूथ होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट स्टेप आफ्टर क्लेंजिंग होगा मॉइस्चराइजिंग। तो मैं मॉइस्चराइजर करूँगी एलोवेरा ऑल पर्पज क्रीम ओलिविया का, और ये था एलोवेरा क्लेंजिंग मिल्क ओलिविया। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर ओपनिंग। ये मैं इतना ले रही हूँ, वैसे अच्छे से हाथों में स्प्रेड करके अपने फेस को। वो बहुत ही लाइट वेटेड है, आई डोंट फील ऑयली एट ऑल। मतलब मेरा फेस पे ऑयली जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, थोड़ा और ले रही हूँ। एंड बहुत ही माइल्ड सी स्मेल है, मतलब खुशबू बहुत ही माइल्ड है। नाउ दैट माई फेस इज वेल मॉइस्चराइज, अब हम प्राइमर लगाएंगे। फ्रेंड्स, प्राइमर के लिए मेरे पास ओलिविया का कुछ नहीं है, तो मैं एले गर्ल का प्राइमर यूज कर रही हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट। मेरे सबसे ज़्यादा पोर्स ये नोज एरिया पे हैं, तो हम फिंगर से ही लगाएंगे, दबा दबा के कि हमारे पोर्स भर जाए, फिर हमारी स्मूथ लेयर लगेगी। अब देखते हैं इस फाउंडेशन से मेरे ये जो पिगमेंटेशन है, ये जो दाग धब्बे हैं, ये कितने हाइड होते हैं। आफ्टर प्राइमर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। तो ये है फाउंडेशन, मेरा शेड है नेचुरल 3। तो ये प्लास्टिक का है कंटेनर, और ये है प्रोडक्ट शेड। आई थिंक ये मुझसे मैच होना चाहिए, पता नहीं, लेट्स सी। तो ये ऐसे घुमा के ऊपर हो जाता है, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना इनफ लग रहा है। तो मैं ऐसे भर भर के नहीं लगाऊंगी, ऐसे पैट करूंगी पहले हर जगह। पहले सिर्फ हाफ फेस करके दिखाती हूँ आपको, तभी तो डिफरेंस दिखेगा कि इसकी कवरेज कैसी है। हम चाहिए तो अपने फिंगर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, ऐसे 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 करके बहुत ईजिली ब्लेंड होता है। बट मेरे पास ब्रश भी है, तो मैं ब्रश के साथ फाउंडेशन को ब्लेंड करके दिखाती हूँ। सी हाउ इवनली ब्लेंड्स। काफ़ी फुल कवरेज है, सो दिस इज द डिफरेंस। और बहुत हल्का ही मैंने यूज़ किया, सिंपली बस डैप किया मैंने इसको। अब हाफ फेस और बचा है, तो ये है डिफरेंस। अब इसी को ही फिर से पैट करूँगी, क्योंकि हमें हार्डली इसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल हल्के से में ही ये पूरे ब्लेमिशेस को भी कवर कर रहा है। तो ये फाउंडेशन बिल्कुल भी मैट नहीं है, ग्लॉसी है। आई लाइक ग्लॉसी फिनिश, मुझे बिल्कुल मैट नहीं पसंद है, ड्राई लगता है फेस बहुत। तो इसको हम आराम से अंडराइज में भी लगा सकते हैं क्योंकि ड्राई नहीं है। जहाँ भी हमारा एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे भी लगाएंगे। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, आप देख सकते हैं शाइन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओ, मैंने अब इसमें इसके साथ ये पैम्फलेट देखा, मतलब अंडर वाटर भी ये मेकअप इंटैक्ट रहेगा। कैन यू बिलीव दैट, अंडर वाटर। तो ये फाउंडेशन बेस, कंसीलर, डार्क स्पॉट्स वगैरह हाइड करने के लिए, और 11 शेड्स में अवेलेबल है।
और एकदम स्मूथ कवरेज देता है. आई एग्री विद इट. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये मैंने अभी देखा है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे. मेरे पास ओलिविया का कॉम्पैक्ट है. ये शेड है नेचुरल बेज. आई डोंट नो शेड सही है कि नहीं है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स द कॉम्पैक्ट. ओके, इट कम्स विद अ मिरर. मिरर है और ये कॉम्पैक्ट, और ये रहा एक पैड. तो ये इसका न्यू है एकदम. ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी. वैसे मैं पाउडर्स भी अपने ब्रश से ही लगाती हूँ, बट दिस इज वेरी सॉफ्ट. और आई एम सरप्राइज्ड कि कलर सही है, मैच कर गया है. मुझे लगा था कि ज़्यादा फेयर हो गया है, बट इट्स गुड. जो शाइन थी अभी वो चली गई है. आप देख सकते हो माई फोरहेड एंड माई चीक्स, इट वॉज शाइनिंग. अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. अभी तो मैं बस डैप कर रही हूँ. ओके फ्रेंड्स, अब इसको मैं ब्रश के साथ मिक्स करूँगी. Take it down to the neck. Friends, I am quite impressed with this compact. Kitna price hai iska? 120. 120 ka ye compact powder. Main to contour karna bhuli gayi. Okay, ab contour karte hain. Iske liye main cream contour use kar rahi hoon. Just on my nose area. ये पूरे फुल कवरेज है तो हमें फिर से सारे शैडोज क्रिएट करने, वरना हमारा फेस फ्लैट लगने वाला है, जो कि हमें नहीं चाहिए. यू कैन मेक आउट द डिफरेंस थोड़ा सा ही यूज करने में. सो आई एम ऑल डन विथ कंटूरिंग. माय आईब्रोज आर डन. ओलिविया का लाइनर है और ये काजल है. अब इसे मैं आईज पे लगा के दिखाती हूँ. ओके, मेरे मुंह क्यों ब्लैक है? काफी डार्क ब्लैक है, बहुत ही इंटेंस डार्क है. ओहो, ये भी स्मज प्रूफ है, इंटेंस ब्लैक है, वाटर रेजिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, एक्स्ट्रा स्मूथ. जस्ट लुक एट द डिफरेंस. आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. अब देखना ये है कि ये स्मज होता है कि नहीं है, जैसा कि इसमें बोला है. एंड हाउ मच इज इट? 120 में अच्छा खासा क्वांटिटी है. अब इसके बाद मैं ये लाइनर यूज करूँगी, तो इसे अपर लिप पे लगा के दिखाती हूँ मैं इसे. ये भी जेट ब्लैक है. लेट्स सी ये मैट है कि ग्लॉसी. जस्ट लुक एट माय आईज. ओह माय गॉड, इसमें कोई परफ्यूम नहीं है, कोई खुशबू, कोई सेंट नहीं है. आई एम इम्प्रेस्ड. कितने का? 75 rupees. ओके, अब मैं लिपस्टिक लगा लूं, क्योंकि ऑड लग रही हूं मैं. ओ, मैं अपने बाल खोल दूं. ये क्लोजअप.
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो डू गिव मी अ लाइक, एंड फॉर नेक्स्ट वीडियोस लाइक दिस कीप ऑन सपोर्टिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस. आज के लिए बाय.